गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट आई एम योर न्यू साइंस टीचर गीता मैम। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे जंतु रूप एवं कार्य। अपना चैप्टर नंबर 10 ओपन कीजिए, इसका पेज नंबर है 74। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जंतुओं का रूप कैसे बना, मतलब फॉर्मेशन कैसे हुआ और उनके कार्य क्या क्या हैं। देखो सभी सजीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, इसीलिए कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक इकाई कहलाती हैं। मतलब हर सजीव कौन, जो भी इंसान या जानवर जो भी सांस लेते हैं वो, तो वो किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहलाते हैं। कुछ जीव सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और इसी तरह से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इन जीवों में कोशिकाएं वे सभी कार्य करती हैं जो उसे जीवित रखने हेतु आवश्यक हैं, जैसे कि हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती हैं। कुछ जीव जैसे युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होते हैं। कोशिकाओं के एक समूह जो आपस में मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं उन्हें हम ऊतक कहते हैं। मतलब जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो वो एक ग्रुप या समूह बना लेती हैं, उन समूह को हम क्या बोलते हैं, उन्हें ऊतक बोलते हैं। ऊतकों में मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, त्वचा तथा रक्त सम्मिलित होता है। पादप ऊतक में जाइलम और फोलियम शामिल होते हैं। ऊतक आपस में मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जैसे हाथ, पैर, आँख, हृदय, फेफड़ा, ये सभी हमारे शरीर के अंग होते हैं और ऑर्गन होते हैं। अंगों का एक समूह जो आपस में मिलकर किसी विशेष कार्य को करता है अंगतंत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए मुंह, आहार नाल, आमाशय, आंत, यकृत, ये सब हमारे मिलकर क्या बनाते हैं, पाचन तंत्र बनाते हैं, यानी हमारे पाचन सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। मानव शरीर में विद्यमान कुछ और भी तंत्र हैं, जैसे श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, ये सभी तंत्र परस्पर कार्यशील रहकर मानव शरीर को क्रियाशील बनाते हैं। मतलब इन सब चीज़ों से मिलकर ही इंसान या जानवर एक्टिव होता है, काम कर पाता है। इस प्रकार मानव शरीर एवं अन्य बहुकोशिकीय जीवों का शरीर निम्नलिखित रूप से संगठित होता है। कैसे कैसे, जैसे मैंने बताया अभी, सबसे पहले कोशिका बनती है और कोशिकाओं के ग्रुप से ऊतक बनते हैं और ऊतक की संरचना से अंग बनते हैं और जब अंग बहुत सारे मिल जाते हैं तो अंग तंत्र बनाते हैं और इस तरह से संपूर्ण क्रिया होती है। अब है मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र क्या होता है, ये इंसान को या मानव के शरीर को सहारा प्रदान करने वाला एक सिस्टम होता है जो कि किससे बना होता है, अस्थि और उपास्थि, मतलब हड्डियों से मिलकर एक ढांचा तैयार जो होता है वो हमारा मानव कंकाल तंत्र कहलाता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे उसमें लगभग 350 हड्डियां होती हैं और जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है तो उसमें 206 हड्डियां ही रह जाती हैं। ऐसा कैसे होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब वो छोटा होता है तो उसकी हड्डियां भी छोटी छोटी होती हैं और इस तरह से जब वो बड़ा होता जाता है तो कई छोटी छोटी हड्डियाँ मिलकर एक हड्डी का निर्माण कर लेती है। इस तरह से वो कुल 206 हड्डियाँ ही हमारे शरीर में रह जाती हैं। कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है, इसके चार प्रमुख कार्य होते हैं। एक पहला कार्य क्या है, सहारा देना। कंकाल तंत्र क्या करता है, सहारा देता है। जैसे हमारे शरीर में कुछ मुलायम मांसपेशियाँ होती हैं तो उनको सहारा देने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए कंकाल तंत्र हमें क्या करता है, ढांचा प्रदान करता है और शरीर को सीधा रखता है। फिर है रक्षा। रक्षा कैसे करता है, हड्डियां शरीर के कोमल व मुलायम अंगों की रक्षा करती हैं। जैसे हमारे शरीर में कुछ मुलायम अंग होते हैं, जैसे खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए खोपड़ी की हड्डियों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही पसलियाँ वगैरह होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे हृदय, फेफड़े, इनकी रक्षा करती हैं। फिर है गति। गति कुछ विशेष हड्डियाँ मजबूत व दृढ़ होती हैं, मतलब बहुत ही मजबूत होती हैं, जो कि जब जॉइंट पे मिलती हैं तो उनसे जॉइंट मतलब क्या, जोड़, जैसे ये जोड़ है पैरों के, हाथों के जोड़ मिलकर ये उससे
क्या करती हैं, मूवमेंट करा सकती हैं, घुमा फिरा सकते हैं और इसीलिए हम अपने पूरे शरीर को हिला डुला सकते हैं। रक्त कोशिकाओं का निर्माण, हड्डियां बाहर से अत्यधिक कठोर लगती हैं किंतु उनके अंदर एक मुलायम भाग होता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। हड्डियों के अंदर क्या भरा रहता है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं जिसे, और अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मानव कंकाल के मूलभूत अंग। मूलभूत अंग कौन कौन से होते हैं, ये चार भागों में बांटा गया है, जैसे खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलियों की हड्डियाँ और हाथ पैर की हड्डियाँ। खोपड़ी, सबसे पहले हम खोपड़ी की बात करते हैं, इसमें 22 हड्डियाँ होती हैं और खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा 8 सपाट हड्डियों से मिलकर बना होता है और ये मस्तिष्क को ढकता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और फिर होती हैं चेहरे की हड्डियाँ, ऊपरी और निचली जबड़ा में भी कुछ हड्डियाँ होती हैं। निचली जबड़ा क्या करता है, हमें खाना खाने के लिए बातें करने में सक्षम बनाता है। ऐसे ही नाक के ऊपर भी हड्डी होती है जो नाक को आधार देता है, और ऐसे ही हमारे आँखों के पास में भी हड्डियाँ रहती हैं जो कि हमारे आँखों को कोश बनाता है या कक्ष प्रदान करता है। फिर है पसली, पसलियाँ कैसी होती हैं, पतली चपटी वक्र हड्डियाँ जो शरीर के ऊपरी भाग में स्थित कोमल अंगों के चारों तरफ एक सुरक्षित पिंजरा बनाती है। मतलब ये कैसे पिंजरे की तरह होती हैं, जैसे कि इस चित्र में दिख रहा है आपको ऐसे ही। और ये इसमें 24 हड्डियाँ होती हैं, लगभग 12 जोड़ों में ये बनी हुई होती हैं। अब है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में 36 छोटी हड्डियाँ होती हैं जिन्हें कशेरुक कहते हैं, वर्टिब्रल कहते हैं। कशेरुक क्या करते हैं, आपस में ये जुड़ी रहती हैं और क्या करती हैं, ये भी हमें गति प्रदान करती हैं। रीढ़ की हड्डी खोपड़ी के आधार से जुड़ी रहती है, ये कंकाल के मध्य एक सहायक दंड मतलब एक सहायता प्रदान करती है। आपके शरीर का एक कोमल एवं मुलायम अंग जिसे हम मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इन छिद्रों से होकर गुजरता है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की रक्षा करता है। ये ऐसी होती है रीढ़ की हड्डी, पीछे ये हमारे यहाँ से खोपड़ी से जुड़ी रहती है और यहाँ तक आती है। अब है अवयव, द लिम्स। इसमें बांह, टांग की हड्डियाँ सम्मिलित रहती हैं। हमारे कंकाल की लगभग आधी हड्डियाँ हाथों, कलाइयों और पैरों व टखनों में स्थित रहती हैं। बांह की हड्डियाँ देखो, बांह के ऊपरी हिस्सा में सिर्फ एक हड्डी होती है और इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस का एक सिरा गोलाकार होता है जो कंधे की हड्डी पिक्टोरल गर्डल में बने खांच में भली भांति व्यवस्थित होता है। इसके निचली सिरा चौड़ा पृष्ठ वाला होता है, निचली बांह में दो हड्डियां होती हैं और अंगूठे की तरफ चौड़ी हड्डी रेडियस कहलाती है। ये देखो बच्चों, बांह की हड्डियां इस तरह से होती हैं, ये रहा ह्यूमरस, ये और ये रहता है रेडियस। ऐसी ही टांग की हड्डी भी दी हुई है ये देखिए। तो अब बच्चों आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये देखो, ये है मानव कंकाल तंत्र, ये आपको अपनी कॉपी में बनाना होगा। ठीक है, देखो इसकी ये खोपड़ी, गाल की हड्डी, इस तरह से इनका नेम लिखकर आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ओके बच्चों।